अरे प्रियंका तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। प्रियंका तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। योगी तेरी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। योगी तेरी मनमानी नहीं चलेगी। देखो इसमें बिठाओगे मुझे तो मेरा अपहरण करोगे, ये है लीगल स्टेटस तुम्हारा, समझे? मत समझो कि मैं नहीं समझती। अरे तो अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट। हम खुशी से जाएंगे तुम्हारे। हमने अगर कोई गलती करी है, जबरदस्ती घेर रहे हो, ढकेल रहे हो ना, इसमें आप फिजिकल असॉल्ट, अटेम्प्ट टू किडनैप, किडनैप, अटेम्प्ट टू मोलेस्ट, अटेम्प्ट टू हार्म, समझे? समझती हूँ मैं सब कुछ। छू के देखो मुझे, जाके अपने अफसरों से और अपने मंत्रियों से जाके वारंट लाओ, ऑर्डर लाओ, समझे? और महिलाओं को आगे मत करो, महिला से बात करना सीखो, समझे? महिला संबंधित महिला को कानून है इस देश में, तुम्हारे प्रदेश में नहीं होगा, इस देश में कानून है। प्लीज कुछ नहीं, तुमने मुझे धकेल के तुम यहाँ लाए हो, मुझे जबरदस्ती ले जा रहे हो, और तुम्हारा कोई हक नहीं है, समझे? कोई हक नहीं है। लगातार देश में जिस प्रकार किसान आंदोलन रत है, और उस आंदोलन के बीच में एक ऐसा नया मोड़ आ जाता है जब कभी लगता है कि अब यह आंदोलन समाप्त होने वाला नहीं बल्कि एक विकराल स्वरूप धारण कर रहा है, उस स्थिति में सरकार के सामने बहुत बड़ी समस्याएं जहां आ जाती है, वहीं आंदोलनरत किसानों के जान की बाजी लगाने की बारी आ जाती है। और पिछले दिनों जो कुछ हुआ वह अपने आप को नहीं शर्मसार करने वाली थी बल्कि पूरे व्यवस्था पर बहुत बड़ा सवाल था। और इसी के मद्देनज़र आज बेगूसराय जिला के तेघरा अनुमंडल अंतर्गत तेघरा बाजार में तेघरा कांग्रेस कमेटी के द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला दहन किया गया। हालांकि इस पुतला दहन कार्यक्रम का नेतृत्व प्रखंड अध्यक्ष महेंद्र कुंवर कर रहे थे, साथ ही उनके साथ दर्जनों की संख्या में मौजूद कांग्रेसी कार्यकर्ता बार बार एक ही नारा लगाए जा रहे थे कि महिलाओं के साथ सम्मान करो, प्रियंका गांधी तुम आवाज़ दो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम आपको बताते चले कि किसानों के आंदोलन में जिस प्रकार से वहां पर कुछ अनियंत्रित गाड़ी जो किसान के भीड़ की तरफ चली गई थी और वहां फिर कुछ किसानों को चोट लगने की बात आई थी, कुछ किसानों के हताहत होने की बात आई थी, हालांकि आधिकारिक रूप से किसी चीज़ की भी पुष्टि नहीं की गई, लेकिन उसके बाद से राजनीतिक एक नया मोड़ ले लिया है और इस मोड़ में कई अन्य तरह के तथ्य भी सामने आ रहे हैं और अब कांग्रेसी कार्यकर्ता व्यापक पैमाने पर सड़कों पे हैं। हम आपको बताते चले कि पिछले 28 तारीख को जब से कन्हैया कुमार कांग्रेस में शामिल हुए, कहीं ना कहीं कांग्रेस दिन प्रतिदिन एक नए रूप में उभरती और निखरती चली जा रही है। हालांकि इस कांग्रेस का इतिहास अपने आप में अनोखा रहा है और ये वो कांग्रेस है जिसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में हुई थी और तब से लेकर आज तक कांग्रेस पार्टी अनवरत अपने आप में कई ऐतिहासिक तथ्यों को छुपाए हुए है और कई ऐसे ख्याति प्राप्त कार्य अपने इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में जोड़े हुए हैं जिसकी चर्चा यदा कदा बार बार होती रहती है। हालांकि वर्तमान समय में देश की परिस्थिति के बीच कांग्रेस विपक्ष के रूप में है और सदन से लेकर सड़क तक का जो सफरनामा है इसमें कांग्रेस कहीं ना कहीं वापसी करती हुई नज़र आना चाहती है और नज़र आ भी रही है। हालांकि इसमें कहाँ तक वो सफल होती है, क्या वर्तमान समय में जो कांग्रेस का मुख्य मुद्दा है कि महंगाई, पढ़ाई, सिंचाई, दवाई, इन तमाम चीज़ों पे कितने दूर तक ये लोग काम कर पाएंगे, क्योंकि कांग्रेस का आरोप है कि देश वर्तमान समय में 1947 से भी पहले चला गया है। इस बात को कन्हैया कुमार ने अपने सदस्यता ज्वाइनिंग के दिन ही कही थी और बोला था कि आज देश को एक होके फिर आगे बढ़ना होगा।